तिनका तिनका जोड़ करके आसियाना तैयार होता है और वो आसियाना एक ही रात में तबाह हो जाता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, ध्वस्त हुए मकान हैं, टूटे हुए खपरेल हैं, बिखरे हुए अनाज हैं। यह तस्वीर महज एक घर के गिर जाने के नहीं है, यह तस्वीर सपनों के बिखर जाने का भी है, कई वर्षों की मेहनत की मिट्टी में मिल जाने की है। कहानी झारखंड के गांव की है, जहां शाम ढलते ही हाथियों का झुंड इंसानी बस्तियों में हमला कर देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं और वहां रखे अनाज को खा जाते हैं। कई बार तो इंसान भी चपेट में आ जाते हैं और जाने भी चली जाती हैं। 23 जून की रात में भी हाथियों का झुंड ने रांची जिला अंतर्गत बुंडू प्रखंड के सूटीलोंग ग्राम में हमला कर दिया। जंगली हाथियों के द्वारा गांव की ओर हमला करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस वक्त हम रांची जिला बुंडू प्रखंड अंतर्गत सूटीलोंग ग्राम में हैं और यहां हाथियों ने बीती रात गांव में हमला कर दिया था और कुछ घरों को तोड़ दिया है। इस वक्त हमारे साथ जिनके घरों को तोड़ा गया है उस घर के मालिक हैं, वो बताएंगे कि कैसे हुआ ये सब। हम बारात चल गए थे, रात में नहीं थे, उसके बाद मेरा घर में चावल खाया है, घर भी तोड़ा है। अच्छा। और बीज लिए थे उसको भी खाया है, एक नया आवास मिला था उसमें दरवाजा को तोड़ दिया है और घर को चारों तरफ तोड़ दिया है। इसमें हमारा बहुत क्षति हुआ है, इसका मुआवजा देने की कृपा करें। अच्छा, आपको मुआवजा चाहिए। और यहाँ घर में तो कोई नहीं था, किसी का जान को खतरा? जान की खतरा नहीं है, माँ घर में थी। अच्छा। घर के ऊपर बहुत उसका स्थिति खराब था, जैसे तैसे घर उठी और अपना जान बचाई है। आपको ये कब पता चला? हमको सुबह 5 बजे पता चला। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप महतो। अच्छा, ये प्रदीप महतो हैं, इस घर के मालिक हैं जिनके घरों को जंगली हाथियों ने तोड़ दिया है। ये वो बूढ़ी माँ है जो हाथियों के हमले के वक्त घर पर सोई हुई थी। तोहरे घर रहते हाथी आए रहो है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो तोहरे घरे रहा? हाँ। तो कानी जान ला तोहरे कानी आ गेट तो जखम तारलो हूँ। हाँ। ओखने बाजलो। हाँ। गेट तो तारलो बाजलो से खने मेरे चिक छोलो दुआटा। अच्छा, दुआटा छोलो तो उन्हें के देख पालो लफाए भूलो तो ने दुआर के मार बजड़ो तो। हाँ। से खने मैं घर ऊपर उठलो। अच्छा, बिल्डिंग घर पर? हाँ, ढलाई घर बिना सीढ़ी उठलो। अच्छा अच्छा, बिना सीढ़ी पचे रे दाम दे के उठा हूँ और वहाँ दम काँपो तो हूँ, ऊपरे दौरे दम काँपो तो हूँ, कांदबो करो था दाड़ा दाड़ा पचेर बाजो तो यार गोरजब करो ते हैं भी यहाँ गिराते हैं खाने दमे खंड रहे एक घंटा तक रहे। जान तो बच गई पर इस घर को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। संकट के इस घड़ी में परिवार वाले प्रशासन से, विभाग से मुआवजे की उम्मीद करते हैं। Thank you.
ग्रामीण चिंता मग्न है कि इस तरह की घटना से कैसे बचा जाए। दिन के समय हाथियों का झुंड पास के जंगल में डेरा जमाए हुए रहता है और जैसे ही शाम ढलती है हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव की ओर प्रस्थान कर देता है। एक बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग के पास कि हाथियों को इंसानों की बस्ती से दूर कैसे रखा जाए। ग्रीन रिवॉल्ट न्यूज के लिए बुंडू से सिदाम महतो की रिपोर्ट।